नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और वीडियो में मैं मुकेश मेनेरिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चार्ट ऑफ द वीक बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। दोस्तों, बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग हर वीक लेके आते हैं, तो चार्ट को हम लोग देखने में बहुत बहुत सारे चार्ट देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद में जो बेहतरीन स्टॉक्स लगता है चार्ट के नज़रिए से, तो वो स्टॉक्स यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ बहुत ही शानदार रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यानी कि ब्रेकआउट स्टॉक्स भी है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी है। दोस्तों, दोनों में कमाल का रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स है और एक स्टॉक्स जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो दोस्तों लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक्स ट्रेड करता है, उसके टारगेट्स भी बहुत ही हमें बड़े मिलते हैं और बहुत ही फास्ट मिलते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर पूरी डिटेल से एनालिसिस करके बताऊंगा कि उनके कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा टारगेट होगा, क्या लक्ष्य हमारा रहना चाहिए आगे के लिए और कितने टाइम के लिए हम लोग उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग से लेके आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स आप लोग को बहुत ही शानदार रिटर्न्स देके जा सकता है। और पिछले जो हमने जो चार्ट ऑफ द वीक में बात करी स्टॉक्स, वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि अभी वो स्टॉक्स ने कितना हमें परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स हमें लेना है तो वो भी हम लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमारा व्यू दोस्तों होना चाहिए, चार्ट ऑफ द वीक का जो हम लोग चार्ट देखते हैं तो उसमें हमारा व्यू कम से कम 1 से 2 साल 3 साल का होना ही चाहिए, तभी जाके हमें एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, तो इस चार्ट को हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर जाके स्टॉक के। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, इसमें मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड सेल करने की, अगर करते हो तो अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कौन से हमारे चार्ट ऑफ द वीक का पहला स्टॉक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चार्ट ऑफ द वीक का पहला स्टॉक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे ज्योति लैब्स लिमिटेड का चार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे और स्टॉक से हमारा आज का पहला स्टॉक से ज्योति लैब्स लिमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों ज्योति लैब लिमिटेड का हम लोग यहाँ पे एक बार डिटेल से समझ लेते हैं इसका मार्केट कैप, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ज्योति लैब्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स बना है, वो हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि ज्योति लैब्स में लास्ट फ्राइडे को इसने जो बढ़त हुई है 5% से भी ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसकी क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों 181 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्लोजिंग भी दी है और बढ़त भी दोस्तों इसमें 5% से भी ज़्यादा हुई है। दोस्तों, मार्केट कैप की बात करें ज्योति लैब्स लिमिटेड की तो यहाँ पे 6,600 करोड़ की मार्केट कैप है, और दोस्तों हाई जो 52 वीक हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे 52 वीक हाई है 183 और क्लोजिंग है दोस्तों 181, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट का ही इसमें फासला है और इसने हाई के आसपास इसने क्लोजिंग भी दी है, तो ये और भी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ऊपर की और भी अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। दोस्तों, लो की बात करें तो 130 का लो लगाया था इसने और अभी इसने क्लोजिंग जो दी है 181 के आसपास यहाँ पे दिए। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसका चार्ट देखते हैं कि चार्ट में क्या चार्ट पैटर्न बना हुआ है और उसमें हम लोग कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ज्योति लैब्स लिमिटेड का वीकली चार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था और यहाँ से अप ट्रेंड के बाद में दोस्तों इसने जो हाई लगाया था 242 के आसपास, यानी 244.5 के आसपास इसने हाई लगाया, उसके बाद में स्टॉक्स में एक गिरावट आई है
उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसने हाई लगाया 244 के आसपास, और इसने जब भी यहीं से रिवर्सल हुआ था ट्रेंड और यहाँ से रिवर्स हुआ, उसके बाद में देखिए दोस्तों इसने लो लगाया था 89 के आसपास, ठीक है, जो कि हम लोग कोरोना का टाइम में हमने लो लगाया 89 के आसपास। तब से स्टॉक्स ने एक साइडवेज हो गया, यानी कि इसको कंसोलिडेशन करना था, पूरा एक टाइम वाइज करेक्शन जो इसने किया था और यहाँ पे टाइम वाइज भी करेक्शन का कंसोलिडेशन हुआ दोनों में। यहाँ पे देखिए 3 साल, कितने साल हो गए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 2019 से 2022 3 साल का इसका करेक्शन पूरा हुआ। अब ये स्टॉक्स ने एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बना के ये ऊपर की तरफ रैली करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब दोस्तों इसमें हम लोग कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और क्या आगे हमारे टारगेट्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों अभी इसमें एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या बना है वो आप देख सकते हो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसमें फॉर्मेशन बना है दोस्तों, और ये ब्रेकआउट भी इसने दिया है आप देख सकते हो। इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनता है, तभी एक अच्छा अप ट्रेंड में रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 220 का दोस्तों, सेकंड जो टारगेट है 245 के पास में जो ऑल टाइम हाई है उसको हम लोग सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है, यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बनाने के बाद में ऊपर की तरफ मूव करता है तो और भी अच्छी रैली आगे देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को अभी करंट रिसेंट में हमें बाय करनी है, तो हम लोग 184 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 160 का क्लोजिंग बेसिस पे। हम लोग यहाँ पे 160 का आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये पिछला एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है, तो 160 के नीचे अगर आपको 20 रुपीज का 20-25 का हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो हमें टारगेट भी अगर रिवॉर्ड 1:2-3 का रिवॉर्ड मिलता था दोस्तों, 1:2 का हम लोग टारगेट लेके चले तो इजीली हमें टारगेट्स मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 160 का टारगेट हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 245 का हमारा फर्स्ट सेकंड टारगेट रहेगा, और थर्ड का जो टारगेट रहेगा दोस्तों 300 का हमारा टारगेट। ये तीनों टारगेट्स के लिए ये स्टॉक्स बहुत ही फास्ट हमें यहाँ से रैली देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी जरूर करें और अपनी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स जरूर ऐड करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी ऐड करके मूविंग एवरेज भी ऐड करके दिखाऊंगा कि उन स्टॉक्स में हम लोग किस तरीके से जो अच्छी 200 EMA है दोस्तों, मैंने यहाँ पे रेड लाइन आप देख रहे हैं ये ऐड किया दोस्तों, इसके ऊपर क्लोजिंग भी है, ये हमारे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि दोस्तों जब भी पीछे आपको चार्ट फोल्ड यहाँ पे देखूं तो 2012 में इस स्टॉक्स ने प्राइस ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इसने वापिस इसने जो 200 EMA को कभी काटा 2019 में इसको नीचे की तरफ काटा है, तो यहाँ पे दोस्तों इतनी 7 साल के बाद में यहाँ पे 2012 से 2007 साल की रैली हुई और यहाँ पे आपको स्टॉक्स ने कितने यहाँ पे जिस लेवल के आसपास अगर आपने यहाँ पे कहीं पे 61 के आसपास आपने बाइंग किया होगा तो आपका जो स्टॉक्स है 4 से 5 गुना हो गया। तो इसमें हम लोग कितने अच्छी रैली देता है ये स्टॉक्स, अभी इस करेक्शन के बाद में ऐसी रैली और भी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे जैसे कि प्राइस ने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा है तो अब ये एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक के ऊपर आप अपनी रडार में जरूर रखें और अपनी स्टडी भी जरूर करें। दोस्तों अभी देखते हैं अगला जो स्टॉक्स है वो है ICICI बैंक। दोस्तों ICICI बैंक में भी एक ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और दोस्तों ऑल टाइम हाई के टारगेट्स भी निकालना बहुत ही ईजी है। अगर आपको कोई टारगेट्स नहीं पता है, कोई रजिस्टर्स नहीं पता है तो आपको आगे कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे तो वो हमारे लिए एक अच्छा टारगेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे जो हमारा फर्स्ट अभी इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से ब्रेक किया, वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है, ज़्यादा भी एकदम अच्छे बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है, इतने भी खराब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया है, और पिछली बार जो कई बार इसने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को 3 बार इसने टेस्ट किया, ये 2 बार यहाँ पे
वो थर्ड बार इसने ब्रेक किया। जो इसने 100 से 150 पॉइंट की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, अब जाके इसमें देखिए क्लोज दे दिया। तो दोस्तों अभी हम लोग इस समय बाइंग कर सकते हैं, 140 के ऊपर निकलते हैं तो, और इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों 958, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1151, 1150 का फर्स्ट सेकंड टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर भी और भी सस्टेन, दोस्तों ये दोनों मैंने लेवल फिबोनाची से निकाले हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरी अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकते दोस्तों। जो मार्केट हमें बताता है, चार्ट हमें दिखाते हैं, वही हम लोग यहाँ पे हम लोग आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो ये लेवल मैंने फिबोनाची से निकाले, तो ये दोनों टारगेट्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों, जो ये स्विंग लो है यानी कि 700 का आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो, और 120-122 पॉइंट का आप लोग को स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स यहाँ पे 1150 हम लोग को इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक्स में जरूर अपनी एनालिसिस करें और अपनी रडार में जरूर ये स्टॉक को रखें। अब दोस्तों हम लोग इसको स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, और टाइम वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताया कि कम से कम हमें 1 से 2 साल का टारगेट्स लेके चलना ही होता है, हमारा व्यू होना चाहिए। स्विंग ट्रेडर हो दोस्तों तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, 1 to 2 वीक के लिए स्टॉक्स होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों अभी मैं आपको जो लास्ट वीक में हमने स्टॉक्स दिया था वो दिखाऊं, और दूसरा मैं पहले एक स्टॉक्स भी दिया था वो स्टॉक्स भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो कि M&M फाइनेंस। यहाँ पे दोस्तों M&M का हम लोग यहाँ पे देखें चार्ट, वो मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। M&M का चार्ट हमने वीकली बेसिस पे हमने जो लेवल दिया था अभी तक इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया आपको। लास्ट इसने 30 मई को मैंने ये वीडियो कुछ बनाया था, अगर आपको देखना वीडियो देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। यहाँ से दोस्तों इस स्टॉक्स ने 985 के ऊपर निकलता था, हम लोग बाई के लिए दिया था। ये स्टॉक्स ने 1250 का हाई लगाया है और अभी भी ये स्टॉक्स अप मूव दिखा रहा है, और इसमें आप दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके चल सकते हो। अभी हमारा जो स्टॉप लॉस आप लोग को जो से जैसे ऊपर की तरफ निकलता था, हम लोग 20-50 पॉइंट स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो। तो काफी अच्छी रैली दी है इसने, जो कि इसमें इजीली हमें 300 पॉइंट की मूव दिखा चुका है स्टॉक्स, तो और भी आगे इसमें राइड करके चल सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स आपको दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी स्टॉक के बारे में आपको पूछना है, कमेंट करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको इजीली वहां पे रिप्लाई दूंगा, और भी मुझे लगेगा तो वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।